वेलकम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस 2 मिनट रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे रिवाज यूके के ये वाइटनिंग 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क की, जिसे ये क्लेम करते हैं कि एंटी रिंकल, एंटी टॉक्सिन, एंटी एक्नी है। ये एक पील ऑफ मास्क है, जैसे कि इसके ऊपर नीचे ही मेंशन है, और इसके अंदर जो है सिल्क अमाइनो एसिड है। नीचे बॉटल के ऊपर मेंशन है कि इसके अंदर 100 ml जो है प्रोडक्ट है। तो किस तरह यूज़ करना है, साइड पे ही पिक्चर्स के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, कि आप इसे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स तक जो है लगाए रखें और उसके बाद इसे पील ऑफ कर दें। पूरी यूज़ ऑफ डायरेक्शन जो है इधर भी मेंशन है, और इसकी एक्सपायरी डेट एज यू कैन सी यहाँ पे मैनेज है, मतलब लिखा हुआ है, मेंशन है कि इसे ओपन करने के बाद विद इन 24 मंथ्स के बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। डेट भी मेंशन है कि फेबररी 2018 में ये बना है और जनवरी 2023 में जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो एज़ यू कैन सी बॉटल तो इसकी पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग तो इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसके बाद मैं आपको इसकी अंदर से जो है बॉटल दिखा देती हूँ, ट्यूब दिखा देती हूँ जिसमें ये आ रहा है। तो ये रही इसकी अंदर से ये ट्यूब पैकेजिंग। एज़ यू कैन सी ये बहुत ही खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है। तो इसके ऊपर वही सब कुछ मेंशन है जो कि इसके बॉक्स पे मेंशन है। अगर तो अंदर से जो प्रोडक्ट की बात करें तो अंदर से मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ अपने हाथ पे, ये कुछ इस तरह से दिखता है कि ये जो है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, और ये जो है ट्रांसपेरेंट सा है और इसके अंदर हल्का सा गोल्डन टच आ रहा है। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है। अगर बात की जाए इसके रिजल्ट्स की, तो मैंने इसे यूज़ किया है, मैंने इसे अप्लाई करके देखा अपने फेस के ऊपर, और मैंने इसको 20 मिनट्स तक लगा के देखा, और जब मैंने इसे उतारा तो इसके रिजल्ट्स बहुत बुरे थे। तो मैं इसलिए कहूँगी कि मैं इसको किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि कोई भी इसे यूज़ करे। उतारने के बाद जो है जहाँ जहाँ पे मैंने ये मास्क लगाया था वहाँ से सारा एरिया मेरे फेस का रेड हो चुका था, और उसके बाद मुझे इससे बहुत बुरी एक्नी हुई है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इसे पहले, सबसे पहले अपने हाथ पे, अगर आप पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी इसको ख़रीदें ही ना। अगर आपने इसको ख़रीद लिया तो सबसे पहले आप इसको इसी तरह अपने हाथ पे निकाल के देख लें और चेक करें, कुछ देर ड्राई करने के बाद चेक करें कि भी ये कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा आपकी स्किन पे, तो फिर अपने फेस पे अप्लाई करें। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगी कि आप लोग इसे ख़रीदें। तो पैकेजिंग का तो क्या करना, जब अंदर प्रोडक्ट ही जो है यूज़फुल नहीं है, ना किसी काम का नहीं है, आपके किसी यूज़ में ही नहीं है। तो ये मेरी वीडियो थी रिवाज यूके के इस फेस मास्क, पील ऑफ फेस मास्क के ऊपर। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कोई भी इसको ख़रीदे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।